कार्तिके तमा पूसा अग्रणी तमा 75 टू सी तमा 75 वन सी तथा पूसा स्नोबाल एक पूसा स्नोबाल दो आदि इसकी सुंदर सी प्रजातियां हैं। उसके बाद इसके लिए भूमि कैसी चाहिए, स्वयं फूलगोभी के लिए सबसे अच्छी मृदा बलुई दोमट, बलुई दोमट तथा दोमट मिट्टी जिसमें उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, वो मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जलवायु के बारे में बात हुई, सॉइल के बारे में बात हुई, उसके बाद अगली हेडिंग की बात करते हैं। सॉइल के बाद में सीड रेट, सीड रेट फूल गोभी के लिए बीज दर कितनी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नंबर वन एयरली वैरायटी के लिए 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर, और नंबर दो लेट वैरायटी के लिए 375 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। उसके बाद बीज दर के बाद में फसल अंतरण स्पेसिंग का मतलब पौध अंतरण कितनी दूरी पर पौधों को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो नंबर एक एयरली वैरायटी एल गुड़े पी लाइन से लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर दो लेट वैरायटी एल गुड़े पी रॉड गुड़े 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, अंतर इसके बाद बात करते हैं सोइंग टाइम की। सोइंग टाइम फूलगोभी के लिए बुआई का समय कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है, तो अगेती के लिए मई-जून, मई से जून पछेती अर्थात मध्यम जुलाई अगस्त सितंबर और पछेती
सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर इसका बुआई का समय होता है। सोइंग टाइम के बाद अगली जो हेडिंग आती है बीजोपचार अर्थात सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट बीज बोने से पहले उसका बीजोपचार करना चाहिए जिससे मृदा जनित अर्थात फफूंद जनित रोग जो बीज में लगते हैं वो नहीं लगेंगे। बीज को उपचारित करने के लिए सबसे पहले थायराम, थायराम या क्रेप्टान, थायराम या क्रेप्टान 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित करना चाहिए उसके बाद अगला स्टेप आता है सी ट्रीटमेंट के बाद प्रिपेयरिंग ऑफ फील्ड। प्रिपेयरिंग ऑफ फील्ड प्रिपेयरिंग ऑफ फील्ड खेत की तैयारी या भूमि की तैयारी। प्रिपेयरिंग ऑफ फील्ड में बीज बोने से पहले प्रथम जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। प्रथम जुताई मिट्टी पलट हल से, मिट्टी पलट हल से और अन्य 3 से 4 जुताई देसी हल से करना चाहिए और जुताई करने के पश्चात प्रत्येक जुताई पर पाटा लगाना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए तथा खेत भी समतल हो जाए। प्रिपेयरिंग ऑफ फील्ड के बाद अगली हेडिंग आती है मैनुअल फर्टिलाइजर, मैनुअल एंड फर्टिलाइजर खाद तथा उर्वरक। फूलगोभी की फसल बोने के लिए सर्वप्रथम खाद की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले FYM जुताई करने के पश्चात खेत में गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर खेत में डाल देना चाहिए बीज बोने से पहले। उसके पश्चात पौधरोपण के बाद नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से पौध लगाने के पश्चात डाल देना चाहिए। मैनुअल फर्टिलाइजर के पश्चात अगली हेडिंग आती है सिंचाई कि फूलगोभी की फसल में कितनी सिंचाई करेंगे। इरिगेशन और सिंचाई सर्वप्रथम गर्मियों में गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए।
सिंचाई करना चाहिए तथा सर्दियों में दस से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए इरिगेशन के पश्चात फूलगोभी की फसल में खरपतवार अधिक उगाते हैं, तो इसके लिए हमें वीड कंट्रोल करना पड़ेगा। जो फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारे चौड़ी पत्ती वाले, चक्री पत्ती वाले, एक वर्षीय द्विवर्षीय इस प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। इनको नष्ट करने के लिए बेसालिन 1 लीटर दवा को 1000 लीटर 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। जिससे सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। या इसके अलावा 2 से 3 बार फूलगोभी की फसल में निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। इसकी सहायता से भी खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। वीड कंट्रोल के बाद लास्ट हेडिंग आती है इल्ड। इल्ड का मतलब उपज। फूलगोभी की फसल में औसतन जो उपज होती है फूलों की संख्या 20,000 से 25,000 फूल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं, या 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन होता है। उल्ट के बाद में अब स्टार्ट होते हैं रोग और कीट, जो फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें डिजीज कंट्रोल। पहला रोग जो फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है उसका नाम है डैम्पिंग आर्म। अर्थात पौध आर्द्र पतंग रोग। यह फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह पीथियम वर्ग की फफूंद के द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में बीज अंकुरण, यह रोग जो है बीज अंकुरण के समय लगता है, जब पौधा अंकुरित निकलने लगता है बीज के अंकुरण के पश्चात, तो पीथियम वर्ग की फफूंद जो है बीज को विकसित कर लेती है, जिससे जैसे ही पौधा अंकुरित होकर के निकलता है और वो बड़ा होने से पहले ही सड़ जाता है और सड़ करके भूमि पर गिर जाता है, जिससे खेत में पौधों की संख्या बहुत कम हो जाती है। पौधे खेत में काफी विरल हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी आती है। इसकी रोकथाम के लिए का जो कंट्रोल है थायराम या क्रैप्टान
2.5 ग्राम पर हेक्टेयर पर केजी बीज की दर से, बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए जिससे रोग नहीं लगेगा। डंपिंग आप के बाद में जो अगला रोग आता है उसका नाम है अल्टरनेरिया ब्लैक लीव स्पॉट। दूसरा रोग जो है अल्टरनेरिया ब्लैक लीव स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, इसको बोलते हैं पत्तियों का धब्बा रोग। पत्तियों का धब्बा रोग यह भी एक फफूंद के द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में पौधे की पत्तियों पर, इस रोग में पौधे की पत्तियों पर किनारे की ओर अनियमित आकार के गोल धब्बे पड़ जाते हैं और ये धब्बे बढ़कर धीरे धीरे पूरी पत्ती को ढक लेते हैं जिससे पत्ती हरिमाहीन हो जाती है और पीली पड़कर टूट कर गिर जाती है जिससे फसल में उत्पादन में काफी कमी होती है। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल एम 45 2 किलोग्राम दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके, 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद रोग की बात हो गई, अब कीट की बात करते हैं कि फूलगोभी में कौन कौन से कीट हैं जो फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से कीट हैं जो फूलगोभी की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सबसे पहला कीट एफिड अर्थात माहू कीट, माहू कीट। यह कीट जो है 2 से 3 मिलीमीटर लंबा हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो प्राय उड़ ही लेता है। यह कीट पौधे की पत्तियों का रस चूस लेता है जिससे पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती है और पीली पड़ने के पश्चात वो टूट कर जमीन पर गिर जाती है जिससे पुष्प के उत्पादन अर्थात फूलगोभी के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करने के लिए
इंडोसल्फान, इंडोसल्फान 35 ईसी, ईसी का मतलब होता है ईसी, ईसी का मतलब होता है इमल्शन कंसंट्रेशन वैल्यू। ईसी 1.5 लीटर, 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देंगे तो इस माहू कीट से रोकथाम हो जाएगी। उसके बाद दूसरे कीट की बात करते हैं, साफलाई। साफलाई, साफलाई का मतलब होता है आरा मक्खी। साफलाई अर्थात आरामुखी, यह मक्खी जो है फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। यह मक्खी छोटी सी उड़ने वाली होती है जो फूलगोभी के ऊपर पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है, जिससे छोटे छोटे मैगेट, छोटे छोटे मैगेट निकलते हैं और ये मैगेट फूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर ही अंदर उसको रस चूसते हैं तथा पत्तियों को भी छलनी कर देते हैं, जिससे पत्ती जालीनुमा हो जाती है और फूल भी ग्रसित हो जाता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी होती है। इसकी कंट्रोल या इसका रोकथाम साइपन मेथेन, साइपर मेथेन, साइपर मेथेन 0.2% को घोल बनाकर प्रति लीटर, प्रति लीटर पानी पानी में मिलाकर छिड़काव कर देंगे, पानी में मिलाकर छिड़काव कर देंगे तो सप्लाई से रोकथाम हो जाएगा। इस प्रकार फूलगोभी में जो कीट लगते थे उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई आपको। अब फूलगोभी में कुछ पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर एक, बटनिंग, बटनिंग क्रिया किसे कहते हैं, बटनिंग क्रिया किसे कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है, बटनिंग क्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका आंसर है फूलगोभी में नाइट्रोजन तत्व की कमी के कारण फूलों का बटन के आकार में हो जाना, छोटा हो जाना ही बटनिंग क्रिया कहलाता है। इससे उत्पादन में भारी कमी होती है तथा उसे लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा होता है ब्लांचिंग, नंबर दो, ब्लांचिंग क्रिया किसे कहते हैं, ब्लांचिंग क्रिया पूछा जाता है कि ब्लांचिंग क्रिया किसमें की जाती है या किसे कहते हैं, ब्लांचिंग क्रिया किसे कहते हैं, ब्लांचिंग क्रिया क्या होती है, कह रहा है फूलगोभी के पुष्प को